आज की हमारी वीडियो है बिलासपुर कॉलेज सीरीज का 5th पार्ट डीपी विप्र कॉलेज। तो आज हम डीपी विप्र कॉलेज की कौन सी डिटेल है जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कॉलेज एडमिशन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डीपी विप्र कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के अंडर में आता है या गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में। तो डीपी विप्र कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है। सेकेंड पॉइंट है कि आप यहां से रेगुलर और इरेगुलर दोनों टाइप के क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। इरेगुलर का मतलब है जो लोग कॉलेज आना नहीं चाहते, जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं एडमिशन के बाद, तो इस टाइप के कोर्सेज। फिर है थर्ड हमारा पॉइंट यूनिवर्सिटी। तो डीपी विप्र कॉलेज अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के अंदर में आता है। चौथा है हमारा एडमिशन प्रोसेस। तो डीपी विप्र कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर का जब एडमिशन ओपन होगा तो आप वहां से फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपको डीपी विप्र कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा कॉलेज सेलेक्शन में। आप इसके साथ साथ और बहुत सारे कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसके बाद यहाँ डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है कोर्सेज और उसमें अवेलेबल सीटों की संख्या। सबसे पहले है यूजी। तो यूजी में है बीए का, बीए में जिसमें 480 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, इन सब में सेपरेटली कितने सीट अवेलेबल है। आपको डायरेक्ट एडमिशन टाइम ही पता चलेगा। इसके बाद है बीएससी। बीएससी आपका अवेलेबल है मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें टोटल इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 520 सीट अवेलेबल है। इसका भी सेपरेट डिटेल नहीं है कि मैथ्स में कितने सीट अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में कितने, तो आपको डायरेक्ट कॉलेज से ही पता चलेगा। इसके बाद है बीकॉम में। तो बीकॉम में कॉमर्स, कॉमर्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, टोटल मिला के 450 सीट है। इसके बाद है बीसीए। बीसीए में 60 सीट अवेलेबल है। फिर है बीबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसमें 40 सीट अवेलेबल है। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट एमए हिंदी में 50 सीट, एमए इंग्लिश में 50 सीट, एमए पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट, एमए हिस्ट्री में 50 सीट, एमए जियोग्राफी में 90 सीट, एमए इकोनॉमिक्स में 50 सीट, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 20 सीट, एमएससी मैथमेटिक्स में 30, एमएससी केमिस्ट्री में 40, एमएससी फिजिक्स में 30, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 30, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 25, एमएससी जियोलॉजी में 30, एमएससी बॉटनी में 30। इसके बाद है डिप्लोमा कोर्स डीसीए, इसमें 40 सीट अवेलेबल है, वन ईयर का कोर्स है। फिर है पीजी डिप्लोमा, जिसको पीजी डीसीए बोलते हैं, इसमें 60 सीट अवेलेबल है। हमारा छठवां पॉइंट है कोर्सेस और उनके फी स्ट्रक्चर। तो ये जो चार्ट है ये 2020-21 का है, तो इस साल भी फीस लगभग इतना ही लगेगा, इससे थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे हो सकता है, तो आप एडमिशन टाइम पर उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता रहे हैं। तो फिर है यूजी में फर्स्ट है बीए फर्स्ट ईयर का 4050, बीए सेकेंड ईयर का 4050, बीए फाइनल ईयर का 3490। इसके बाद है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, जिसमें है बीकॉम हिंदी मीडियम 4470 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 4470, फाइनल ईयर 3920। फिर है बीकॉम इंग्लिश मीडियम फर्स्ट ईयर में लगेगा 5220, 5220 सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में 4670। इसके बाद है बीकॉम कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में लगेगा 11330, सेकेंड ईयर 11330 एंड फाइनल ईयर 10830। अब है बीएससी के कोर्सेज। तो पहला हमारा है मैथ्स और बायोलॉजी। इसमें फर्स्ट ईयर का फीस है 5570, सेकेंड ईयर 5570, फाइनल ईयर मिलेगा 5320।
आई होप आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों साथ में पढ़ेंगे तो 5,570 लगेगा। ऐसा नहीं है, मैथ्स सब्जेक्ट अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है, पर इनके फीस सेम है, इसलिए एक ही साथ दिए गए हैं। इसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आई थिंक ये कंप्यूटर साइंस होगा। इसके लिए फर्स्ट ईयर का फीस है 10,830, सेकेंड ईयर 10,830, फाइनल ईयर 10,580। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट ईयर में लगेगा 8,040, सेकेंड ईयर 8,040, फाइनल ईयर 7,740। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर में लगेगा 12,030, सेकेंड ईयर 12,030, फाइनल ईयर 11,730। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, 12,030, सेकेंड ईयर 12,030, फाइनल ईयर 11,730। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट ईयर में लगेगा 7,710, सेकेंड ईयर 7,710, फाइनल ईयर 7,410। इसके बाद है BCA, फर्स्ट ईयर में लगेगा 14,110, सेकेंड ईयर 14,110, फाइनल ईयर 13,810। फिर है PGDCA का कोर्स, इसमें लगेगा 11,180। फिर है DBM, इसका फीस है 7,040। फिर है DCA, DCA का है 8,500। इसके बाद है BBA, फर्स्ट ईयर ट्रेवल एंड टूरिज्म का कोर्स है 5,220। इसके बाद है BSc का एड ऑन कोर्स, पहला है वाइल्ड लाइफ, फर्स्ट ईयर में लगेगा 5,570। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इसका है 10,830। इसके बाद है होम साइंस, 5,570। इसके यहाँ पर नोटिस दिया गया है जिसका फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको आधे फीस एडमिशन के टाइम में, आधे फीस बाद में देने होंगे। सेकेंड पॉइंट है BA भाग 1, 2 एवं 3, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के रेगुलर छात्र छात्राओं को प्रायोगिक शुल्क 600 रुपये प्रति विषय अतिरिक्त लगेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है, वो मुझको थोड़ा अधूरा लगा है तो इसका कंप्लीट डिटेल नहीं है। चौथे पॉइंट के अकॉर्डिंग बिलासपुर यूनिवर्सिटी मीन्स अटल यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त बोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं मीन्स जो लोग बिलासपुर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, उनको 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेंगे। पाँचवा पॉइंट है, राज्य के बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं को निम्न अतिरिक्त शुल्क देय होगा। पहला, स्नातक स्तर के कक्षाओं के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे जो छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर से आए हैं। फिर है PG कोर्स के लिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे अगर वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से हैं तो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप इसे ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे अभी तक 85 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सिर्फ 15 सब्सक्राइबर और करवा दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मेरा मिशन है कि अगस्त लगने से पहले पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने क्लास वालों के साथ, उनको भी इन डिटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उनको भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको भी चाहिए होगा, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप बिलासपुर कॉलेजेस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो यहाँ के कॉलेज के बारे में एक कम्प्लीट प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ आप इसे जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।